yesterday there was sun and there was rain. क्या आप लंदन से एक या दो दिन का वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं? If yes, then why not consider Canterbury, Dover, Bodiam Castle and beautiful village of Reed? I started my trip by visiting Dover Castle. कैसल का इंग्लैंड के डिफेंस में बहुत क्रूशियल रोल रहा है। पीछे अगर आप देख सकते हैं, ये जो समुंदर है ये है इंग्लिश चैनल और ये कनेक्ट करता है यूके को मेनलैंड यूरोप से। और जो भी लोग यहाँ पर समुंदर के रास्ते से आते हैं, चाहे वो लीगली हो या फिर इलीगली, इसी रास्ते से यूके में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ हम जाएंगे और विजिट करेंगे फेमस व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर। उसके बाद में जाऊंगा वेरी कॉम्पैक्ट येट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कैंटरबरी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसे मिनी वेनिस बोला जाता है और क्यों ये मेडिवल टाइम्स में पिलग्रिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन थी। और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और सिटी सेंटर। फाइनली ऑन द वे बैक वी विल विजिट बोडियम कैसल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज ऑफ री। इस पूरी जर्नी को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। इन दिस एपिसोड वी विल विजिट व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर, डोवर कैसल, कैंटरबरी सिटी सेंटर और करेंगे रिवर पंटिंग। यहाँ पे आने के तीन तरीके हैं। एक है बाय कार, दूसरा थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आप कोई भी टूर बुक करके आ सकते हैं। तो मैं तीनों के तीनों तरीके यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में विद द प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं जिस तरीके से मैं आया हूँ, दैट इज बाय कार। लंदन से 2 घंटे की ड्राइव और 140 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं पहुंचा सबसे पहले व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर। व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर फेमस है इसके चाक फसाड की वजह से। टोटल क्लिफ है वो है 13 माइल का, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर, और इसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट आते हैं, आप जगह जगह पिक्चर ले सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 मिनट की वॉक है, वहां जाके व्यू अल्टीमेट है। पीछे अगर आप देख सकते हैं, ये जो समुंदर है ये है इंग्लिश चैनल और ये कनेक्ट करता है यूके को मेनलैंड यूरोप से। और जो भी लोग यहाँ पर समुंदर के रास्ते से आते हैं, चाहे वो लीगली हो या फिर इलीगली, इसी रास्ते से यूके में प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो यूके और पूरा का पूरा यूरोप है, 100 मिलियंस एगो ये सारा का सारा एरिया जो है समुंदर के अंदर चला गया था, और उसी की वजह से जो पूरा का पूरा एरिया है ये व्हाइट मड से कवर हो गया था, और इसी वजह से जो ये ब्यूटीफुल नेचुरल वंडर है उसका जन्म हुआ था। इसके बाद मैं पहुंचा डोवर कैसल। डोवर कैसल को हेनरी द टू ने 12th सेंचुरी में बनाया था, बट इसकी कंस्ट्रक्शन 8वीं BC में ही स्टार्ट हो गई थी। इंग्लैंड को 2000 साल पहले रोमन्स ने रूल किया था और उसके बाद आज तक इंग्लैंड को कोई रूल नहीं कर पाया, और उसका मेन रीजन है ये डोवर कैसल। डोवर कैसल पिछले 800 सालों से इंग्लैंड की रक्षा करे जा रहा है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा कैसल है और साथ ही साथ इंग्लैंड का सबसे मजबूत किला जो आज तक कोई भी भेद नहीं पाया है।
इसका मेन ग्रेट टावर यूज किया जाता था एज ए रॉयल अपार्टमेंट। Just with that sweet smiling, there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends. टूर गाइड है, उन्होंने बताया कि जो ग्रेट टावर का जो रूफ टॉप है, यहाँ से फ्रांस दिख रहा है, धुंधला धुंधला जो पीछे दिख रहा है, बट नेवरदरलेस यार अगर फ्रांस दिखे या ना दिखे, पर यहाँ से जो ओवरऑल पूरा जो डोवर कैसल का व्यू है, इंग्लिश चैनल का व्यू है और टाउन का व्यू है, वो अमेजिंग है। Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. चलो भाई लोग तंदूर में थोड़ा खाना बना लेते हैं। तंदूर देखो कितना बड़ा है, आगे आके दिखाओ जरा लोगों को। डोवर कैसल को वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में आर्मी बेस कैंप के लिए यूज़ किया था, और यहाँ पर दो टनल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ था वर्ल्ड वार वन और टू में। टनल वन वहाँ पर है, जो वहाँ पर बंकर बना हुआ है, वहाँ पर 45 मिनट्स का टूर है, मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। टनल टू है यहाँ पर, और टनल टू में अंडरग्राउंड हॉस्पिटल है, और ये 20 मिनट्स का टूर है, ये हम लोग करने वाले हैं। Couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. ये टनल 6 किलोमीटर लंबी है। And they played a role in massive evacuation of 340,000 troops from Dunkirk. यहाँ पर चलते हुए आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या लाइफ रही होगी यहाँ पर उस टाइम। टनल से आ चुके हैं, ये है बाहर निकलने का रास्ता, इसके लिए 75 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ओवरऑल यार बहुत ही अच्छा टूर था। हॉस्पिटल तो यार इतना जबरदस्त, मतलब 1940-42 में इतना प्यारा हॉस्पिटल बनाया था, हर फैसिलिटी, और वहाँ पर टनल में अलग अलग कमरे बने हुए, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स लगे हुए, टॉयलेट, बहुत ही अमेजिंग टूर था। वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैं वीडियो में ऐड नहीं कर पाया। Overall, it is a must visit, and you can book a ticket by going to English Heritage site. Should have kept you close, should have held you tighter, 'cause in my book you were my favorite chapter. And when we left each other. इसके बाद मैं गया वेरी ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कैंटरबरी, विच आल्सो होस्ट द फर्स्ट कैथेड्रल ऑफ इंग्लैंड, कैंटरबरी कैथेड्रल। कैंटरबरी को इंग्लैंड का वेनिस भी बोला जाता है। And it's been years since I've seen your smiling face. And even though I took measures for all my pain, I still dream about you lately and hallucinate. कैंटरबरी पहुंच चुके हैं, और कैंटरबरी ट्रिप की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं लंच करके बहुत ही कूल कैफे में। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है सोदन फ्राइड चिकन, वार्म कुकीडो और बियर। टोटल कॉस्ट 2600 रुपये। वे टू एक्सप्लोर कैंटरबरी इज वाया वाटर, तो चलो फिर रिवर पंटिंग करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों। टूर लास्ट फॉर 45 मिनट्स,
और आप शेयर्ड या फिर प्राइवेट टूर भी कर सकते हैं। You know, a bit strapped for cash, just go fishing for it. Cool. Building. We're beneath the building. The Eastbridge Hospital. It's a part here. Actually dates back to 1180. So yeah, over 800 years old, this building. It's called the Eastbridge Hospital, or the Eastbridge Hospital of St. Thomas the Martyr. Guys, everyone make sure they're inside the boat, please, all limbs. Including elbows and shoulders, because we're about to enter a military tunnel. The Eastbridge Hospital was... Ticket price starts from 2,000 rupees for adults and 1,500 rupees for child, depend upon what kind of tour you opt for. With no regret, I'm content of all the little things in front of me. इसको पंटिंग इसलिए बोला जाता है बिकॉज पंटिंग मीन्स बोटिंग इन अ पॉन्ड व्हिच इज अ लॉन्ग बोट विद अ फ्लैट सरफेस। इसमें पंटर पुश करता है बोट को पोल के आपको पता चल गया होगा कि क्यों कैंटरबरी को मिनी वेलिस बोला जाता है। इसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया कैंटरबरी का टाउन सेंटर एंड सिंस कैंटरबरी सच अ कॉम्पैक्ट सिटी सो इट टुक मी लेस देन 2 hours टू एक्सप्लोर ऑल द फेमस लैंडमार्क। I explored and seen some of the most historical buildings, including pubs, shops, museums, tower, etc. Some of the prominent ones are Westgate Garden, Westgate Tower, Lady Luck Pub, B&A House of Art and Knowledge, The Crooked House. मज़ा आ रहा है या नहीं? एक से बढ़कर एक क्लासी बिल्डिंग है और सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है ना, इनकी जो एज है 1,500, 800, 700 साल पुरानी बिल्डिंग थे और आज भी इतनी मेंटेन है। और मुझे यार पर्सनली ऐसी कोबल स्ट्रीट, ऐसी पुरानी स्टाइल की बिल्डिंग, ऐसी मेडिवल बिल्डिंग बहुत पसंद है। तो मुझे तो ओवरऑल कैंटरबरी बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। Finally, I finished my day at Airbnb accommodation, which cost me 3,500 rupees. If you are coming solo, then best website to book a stay is Airbnb and Hostel World. और आपको आराम से रूम मिल जाएगा 3,000 से 4,000 रुपए के बीच में। Good night, दोस्तों। मिलते हैं कल। इसी से इजाजत लेता है आपका दोस्त देसी ट्रैवल ब्लॉगर विद अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।